दुनिया भर के देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं चाइना ने अपने देश में उड़ान को खोल दिया है और साथ ही अपने मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री और सेक्टर्स को भी। लेकिन कोरोना वायरस पैंडमिक के बाद चाइनीज मैन्युफैक्चर सेक्टर्स और इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले जैसा पहले था अब ऐसा नहीं रहा। साथ ही चाइना साउथ चाइना सी और भारत के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ा रहा है और साथ ही दुनिया भर को चाइना ने अपने कोरोना वायरस से परेशान तो कर ही रखा है, जिससे चाइना के प्रति दुनिया भर के देशों की और सरकारों की नाराजगी के प्रति चली जा रही है। साथ ही यूएस ने अपनी सभी अमेरिकी कंपनीज को चाइना से बाहर निकालने को आदेश दिया है। साथ ही हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अमेरिका लगभग 200 कंपनीज को चाइना से बाहर निकालना चाहती है, और अमेरिका ही नहीं बल्कि और भी कई देश हैं जो चाइना से अपनी कंपनीज को बाहर निकालना चाहते हैं। और जो कंपनियां चाइना से बाहर आ रही हैं वो चाइना के ही जैसे दूसरे विकल्प को ढूंढ रही हैं, जहां वे अपने सामान को मैन्युफैक्चर कर सकें और लाभ कमा सकें। इसीलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको और इंडिया जैसे देशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट इन्वेस्टर्स यह सोचते हैं कि वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सबसे आगे है, लेकिन यहाँ भारत ही मोस्ट इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। रीजन नंबर वन, लो लेवल कॉस्ट। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर एक लेवल की मंथली आय $120 से $320 तक हो सकती है, और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर $70 से लेकर $140 तक हो सकती है, जो कि बहुत कम है। और इसलिए किसी भी कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट को बनाना इंडिया में सबसे सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू चाइना। रीजन नंबर टू, लो टैक्स। अगर हम इंडिया में टैक्स की बात करें तो पूरे साउथ एशिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे कम टैक्स लिया जाता है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। नंबर थर्ड, इंडियाज ग्रोथ इन पास्ट ईयर्स। भारत की आबादी चाइना की आबादी के लगभग बराबर ही है, और साथ ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। अगर हम अपनी सोर्सेज की माने तो इंडिया के मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। नंबर फोर, इंडिया सोज मार्केट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है, यहाँ पर 130 करोड़ लोग रहते हैं। साथ ही भारत दुनिया भर के देशों को एक बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध कराता है। इन्हीं सब वजहों से हमें कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और अगर राज्य और केंद्र सरकार और जनता अगर तीनों मिलकर एक कार्य करें तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।